हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हमारी नवरात्रि स्टार्ट है और अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स गुड़ी पड़वा, उगादी और चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। वैसे आज वैसाखी भी है और चेटीचंड भी है। चेटीचंड सिंधियों का होता है, मेरा होता है तो उसमें हम लोग झूलेलाल जी की पूजा करते हैं। और वैसे मैं तो नवरात्र मनाती हूँ, शुरू से ही नवरात्र मनाती हूँ, तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ। आज मेरी नॉर्मल मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी मुझे माता रानी की आरती वगैरह करनी है। हमारे मिस्टर अभी तक नहाए नहीं है, तो नहा लें उसके बाद हम लोग आरती वगैरह करेंगे। सो या आज मेरा फास्ट भी है और आज कुछ अच्छा अच्छा पलारी वाला बनाएंगे और खाएंगे। तो यस, यही है आज का दिन हमारा और आज मैं फुल डे व्लॉग करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ मैं दिन भर में क्या क्या खाऊंगी। रीजन बिहाइंड इट कि समर चल रहा है और समर में हम बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खा सकते, जैसा कि फास्ट में होता है, लोग बहुत ऑयली ऑयली बना के खाते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट डाइट लेने वाली हूँ, लेट्स सी कैसे इसको कंप्लीट करती हूँ। कोटिक चंद्र दिवाकर रमराज ज्योति ओम जय अम्बे। तो गैस, ये फास्ट वाले दिन का पहला ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन तैयार हो गई है और आज जो इंसान डेली 200 कैलोरी खाता था, आज वो कम से कम 20,000 कैलोरी छूटने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। और इनको मिर्च से नफरत थी, देखो कितनी मिर्च कट रही है, कितनी सारी। इसका नाम बताओ। अच्छा, इसका नाम वो है ओखरी। ओखरी ओखरी ओखली था, ओखरी नहीं था, ओखली। हाँ जरूर, इसका नाम ओखली है। तो पाकिस्तानी नाम क्या है इसका? ओखली बोलते थे हम लोग। पाकिस्तान में थी तभी ओखली बोलते। मैं पाकिस्तान में कभी नहीं थी। शबाना बेगम, पाकिस्तान में अगर दीप्ति नाम होगा तो दीप्ति को क्या बोला जाएगा ये बताओ। है शबाना? नहीं शबनम। नहीं। और ये क्या क्या कर दिया यार, ये कैसा कलर आया है? अब भैया बिना ऑयल के तो ऐसे ही बोलेगी ना, तो घी डालो ना। नींबू इस टाइम बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए तुमको इतना नींबू ही मिले। अच्छा रेडी हो गई है, लेकिन अभी इसमें भी 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे क्यों लगेंगे, बस हो गया ये भी। ओरिगैनो डाल के खिचड़ी का मजा आ। ओरिगैनो कौन डालता है? अबे नमक कम है, कम रिसोर्सेज के साथ अच्छी बन गई है। कौन से रिसोर्सेज कम है वैसे? मिर्ची। मैं अल्टीमेट खिचड़ी बनी है ना, और इस बार तो मेरी सास ने भी तारीफ कर दी थी कि दीप्ति की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। बोलने दो नहीं। वैसे मेरी ये इयर रिंग्स प्यारे लग रहे हैं ना, ये मैं कानपुर से लाई थी और जब मैं इसको ले रही थी तो कौन से सूट की संग पहनूं कि कौन से सूट की। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे अब समझ में आ गया कि जब आपको अपनी शॉपिंग करनी हो ना, लड़कों को साथ मत ले जाओ, हस्बैंड्स को तो बिल्कुल नहीं। ये प्यारे लग रहे हैं, इस सूट पे पूरे जा भी रहे हैं। पैसे कौन देगा, तुम नहीं लेके आओगे किसी को? पेटीएम है मेरे पास। हे गाइस, तो हम लोगों ने खिचड़ी विचड़ी खाई साबुदाने की और उसके बाद हम लोग सो गए थे। मैंने थोड़े बहुत अपने घर के काम किए, उसके बाद मैं ये कॉम्फी वाले लुक में आ गई अपने, क्योंकि यार देखो इसको पहने बिना तो मेरे से काम नहीं होता घर का। तो जो भी मॉर्निंग का मेरा रुका हुआ था थोड़ा बहुत काम वो मैंने समेटा उसके बाद हम दोनों सो गए थे। अभी जस्ट अमित को मैंने लंच बना के दिया है, उन्होंने लंच लिया है। तो बेसिकली अभी क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह तो मैं खाऊंगी नहीं, फास्ट फूड है तो भी मैं ऑयली खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा है भले मेरा फास्ट है मुझे बहुत ज़्यादा कैलोरीज और ऑयली वाला नहीं खाना है। तो अभी जो मेरी मील होगी वो वो मैं फ्रूट्स वाली मील लेने वाली हूँ। फ्रूट्स मील लेने से ये होगा कि
लाइक अभी समर है तो वाटर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए बॉडी में, तो वो भी मेरे अंदर चला जाएगा और थोड़ा सा लाइट भी रहेगा, विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रूट की एक मील ले लेती हूँ अभी, और फिर देखते हैं शाम तक क्या और ले सकते हैं, क्या और कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे मेरे फ्रूट्स, अभी पहले इसको एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। फ्रूट्स के टाइम पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे अगेन। हे गाइस, सो इट्स 6:30 इन द इवनिंग और शाम हो चुकी है। अभी मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, वॉक वगैरह करके आऊँ, क्योंकि ऑफिस का काम तो आज है नहीं, तो थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए। और अभी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग वॉक ऑलरेडी कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। प्यारा लुक लगता है ये, मॉर्निंग में उठो तो भी बड़ा प्यारा, अच्छी अच्छी यहाँ पे ठंडी हवा आती है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, चाय वाय लेती हूँ अपनी। अभी इवनिंग में मैं देखती हूँ कुछ तो ड्रिंक लूँगी मैं, बट अभी पहले मैं जाती हूँ नीचे, वॉक करके आती हूँ, 2-3 राउंड लगा के आती हूँ, फिर मुझे पूजा भी करनी है, पूजा करेंगे। एंड देन सारे लोग आए हुए हैं, सबके यहाँ जो गेस्ट आए थे वो अभी वापस जा रहे हैं धीरे धीरे। जिम भी खुल गया है हमारी सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का गार्डन बहुत ही अच्छा है, ये पूरा चारों तरफ इस तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं वॉकिंग एरिया में, उसके अलावा एक छोटा सा पार्क भी है बच्चों को खेलने वगैरह के लिए। और आते पहले मैंने पूजा कर ली है नीचे, मुझसे कुछ मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज्यादा लग गया, इट्स ओके। बट अभी क्या करना है, अभी मुझे एक कोई एक ड्रिंक लेनी है, दैट शुड बी हेल्दी। सो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना लेमनेड वगैरह बना लूँ, बिकॉज विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ फॉर दिस समर। सो अभी टाइम है, बना सकते हैं, और फास्ट है तो लेमनेड ज़्यादा अच्छा रहेगा पीने के लिए। शेक वगैरह मैं सोच रही हूँ फिर रात में देखूंगी, सोने से पहले शेक वगैरह ले लूँगी, अभी शेक नहीं लेते हैं क्योंकि अभी अगर मेरा टमी फेल हो गया फिर बाद में मुझे हो सकता है रात में भूख लग जाए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी लेमनेड ले लेते हैं। और मेरे साथ अमित भी पीने के लिए रेडी है लेमनेड, तो अब पहले लेमनेड बनाती हूँ, उसको इंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये दो डिफरेंट टाइप की लैमिनेट्स हैं, ये जलजीरा लैमिनेट है और ये मिंट लैमिनेट है, ऑल्दो मैंने मिंट इसमें भी डाला है, ये अमित का है, ये मेरा है, बिकॉज अमित लाइक्स दिस जलजीरा लैमिनेट, तो उसके लिए मैंने जलजीरा वाला बनाया है। बहुत रिफ्रेशिंग टाइप की ड्रिंक है ये। हे गाइस, सो या इट्स डिनर टाइम ऑफ मी, क्योंकि अमित को ऑलरेडी मैंने डिनर दे दिया था जल्दी, तो उन्होंने डिनर कर लिया था और अभी मेरा डिनर होने जा रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डिनर में क्या ले रही हूँ। बहुत ही लाइट, नथिंग एनीथिंग फ्राइड, बहुत ही लाइट डिनर है ये। मैं डिनर में ले रही हूँ ये आलू है जो कि बॉयल्ड है, एंड 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इसको थोड़ा सा कलारा है, ओनली दिस जीरा एंड दिस काली मिर्च, और उसके साथ में मैं ये ले रही हूँ शेक, ये ठंडाई शेक है, एक हम लोग हल्दीराम की ठंडाई लाए हैं उसका मैंने ये शेक बनाया है। सो या दैट्स इट फॉर माय फुल डे व्लॉग, और मैंने आपको दिखाया कि फास्ट रहते हुए भी मैं कैसे ऐसी चीजें ले रही हूँ जो कि समर के लिए अच्छी हो। सो या दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो, और आप लोग बताना कि आपको मेरी ये डाइट कैसी लगी, जो कि फास्ट वाली डाइट है प्लस हेल्दी भी है। एंड फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, सो टिल देन बाय। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो या बाय बाय, गुड नाइट।